अस्सलाम वालेकुम, फरीदा की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी रमजान स्पेशल बॉयल कबाब, इसे आप बॉयल कटलेट्स भी कह सकते हो। बॉयल अंडे खाने में अक्सर फिक्के लगते हैं, लेकिन हमने जो स्पाइसी मसाला बनाया है, इसका कबाब का स्वाद दुगना हो जाएगा। 500 ग्राम मैंने बटाके लिए है, तो इसे बाफ लिया है और इसके छिलके निकाल लिए है। 5 अंडे लिए है उबले हुए, इसके भी मैंने छिलके निकाल लिए है। मैं इस ग्रेटर से छीनूंगी तो इस साइज के लूंगी, ये बड़े साइज के नहीं लूंगी, ये साइज के लेना है। तो मैं इससे बारीक होगा इसका मावा, हाथ से भी आप मसल सकते हो। बटाके को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। मसाला बघार करने के लिए मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, तो इसे मैं डाल दूंगी कढ़ाई में और थोड़ा सा ही तेल डालना है इसमें। इसे अच्छे से लाल होने दूंगी जीरे को, कच्चा रखेंगे तो खुशबू नहीं आएगी, लाल होगा ना तो अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। गैस की फ्लेम को मैंने धीमी रखी हूँ। अब ये 2 प्याज है, ये डाल दूंगी, चौरस काटी हुई है बारीक, अच्छे से मिक्स कर लूँगी और गैस की फ्लेम को मैं अभी धीमी ही रखूँगी। प्याज का पानी सुखाना है, लाल नहीं करूँगी इसको। प्याज को मैंने 1 मिनट के लिए ही सुखाया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन डालूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, बहुत जलाना नहीं है। 1 चम्मच भर के मैंने लीली मिर्ची ली है, तो इसे दरदरा कूट लिया है। आप चाहो तो काट के भी डाल सकते हो, बारीकपन डाल सकते हो इसमें। 1/2 चम्मच से कम मैं लाल मिर्ची डालूंगी, तो लीली मिर्ची डाली हुई इसलिए देख के डालूंगी मैं। 1 चम्मच भर के मैंने गरम मसाला लिया है, तो ये कबाब मसाला है। आपके पास चिकन मसाला हो, कोई भी मसाला डाल सकते हो, या घर का पिसा हुआ भी डाल सकते हो। 1/2 चम्मच से कम सूखे धनिया पाउडर है। यहाँ पर मैं बॉइल कबाब बना रही हूँ, इसलिए मैं पुदीना जरूर डालूंगी, तो पुदीना है थोड़ा सा। अब मैं ये सब मसाले को मिक्स कर लूंगी और गैस की फ्लेम को मैं धीमी ही रखूंगी। अभी मसाले को मैंने अच्छे से 1-2 मिनट के लिए ही पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं ये बटाके को डाल दूंगी। अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी और थोड़ी देर के लिए ही होने देना है, ज़्यादा नहीं होने देना है इसे। स्वाद के हिसाब से नमक डालूंगी, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अब मैं आखिर में लीले दाने डालूंगी, अच्छे से लीले दाने डालना है तो इसका स्वाद अच्छा लगेगा। बस इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये मसाला इस तरह बनाएंगे तो अच्छे घर में खुशबू आएगी। इसका मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से बनाएंगे तो। मसाला अच्छे से हो चुका है, तो अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। मसाला ठंडा होता है वहाँ तक के मैं अंडे को काट लूंगी, तो इसके 4 भाग करना है। 1 अंडे में से मैं 4 भाग करूँगी। मैंने इस तरह से सारे अंडे को काट लिया है। अब अंडे पर मैं कश्मीरी मिर्ची डालूंगी, तो इससे कलर अच्छा लगता है, तो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मैं कश्मीरी मिर्ची डालूंगी। अब मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, तो ये फिक्के फिक्के अंदर अच्छे नहीं लगेंगे कबाब बनाऊंगी तो इसमें, इसलिए मैं नमक और मिर्ची डालूंगी खाली। कोटिंग के लिए मैं 5 चम्मच मैदा लूंगी। आप चाहो तो चावल का आटा भी ले सकते हो, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। इसमें कलर लाने के लिए मैं हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी है, नमक स्वाद के अनुसार डालूंगी इसमें। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी डालूंगी और पतला घोल बनाना है, तो अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और बहुत जाड़ा भी नहीं है, पतला भी नहीं है, इस तरह से बनाना है। तो ये चम्मच में इस तरह से पीछे चिपके, इस तरह से मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है। अंडे को भी मैंने काट लिया है और मसाला लगा दिया है उसके ऊपर। और यहाँ पर मैदे का मैंने घोल तैयार कर दिया है। यहाँ ब्रेड को मैंने मिक्सर में पीस के तैयार करा है। हाथ में मैं थोड़ा सा पहले पानी लगाऊंगी, पानी वाले हाथ से चिपकेगा नहीं। और थोड़ा सा लेंगे, इस तरह से गोल बनाना है हाथों की मदद से। इस तरह से मैं मीडियम साइज का गोल ऐसा बनाऊंगी। पूरी के आकार के मैंने गोल बना लिया है। अब अंडे को बीच में रखूंगी मैं इस तरह से। अब इसकी कोटिंग करना है।
इसे इस तरह से लम गोल बना लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने गोल लम गोल बना लिया है। अब इसकी मैं कोटिंग करूँगी, तो पहले मैदे में डुबाऊँगी मैं इस तरह से, हल्के हाथों से डुबाना है। इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। आप चाहो तो सेवैया का भी कर सकते हो, नूडल्स आती है नूडल्स की भी कर सकते हो कोटिंग। देखिए कितने अच्छे से कोटिंग हुई है। अब इसे इस तरह से मैं बना लूँगी सारे। आप इस कबाब को फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हो और जब मन चाहे जब तल कर खा सकते हो। ये रेसिपी बहुत आसानी से बन जाती है। सारे बॉयल कबाब मैंने बना लिए हैं। अब 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। आप चाहो तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हो और गर्मा गर्म तल के खा सकते हो। 10 मिनट हो चुकी है तो मैं थोड़े आधे तल लूँगी, आधे पैक करके डब्बे में फ्रिज में रख दूँगी तो दूसरे दिन भी काम आएंगे। तेल मैंने अच्छे से गर्म कर दिया है। अब गैस की फ्लेम को मैं धीमा कर दूँगी। तेल में डालते टाइम पे मैं धीमा रखूँगी, हाथ जल जाएंगे इसलिए मैं संभाल के डालूँगी। अभी मैं इसे हिलाऊँगी नहीं, अभी थोड़ी देर ऊपर आएंगे जब बाद में हिलाऊँगी। अब देखिए थोड़ी देर बाद मैं हिला रही हूँ, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे पलटाऊँगी। अब मैंने धीमी रखी थी गैस की फ्लेम को, अब फास्ट कर दूंगी, बढ़ा दूंगी गैस की फ्लेम। गर्मा गर्म बॉयल कबाब खाने के लिए तैयार है। ये कोई भी चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।